करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं शलजम गोश्त, जिसके लिए आधा किलो गोश्त लिया है हमने, चिकनाई वाला। एक पाव आधा किलो शलजम हमने लिए हैं। 2 टेबल स्पून लाल पीसी मिर्ची हमने ली हैं। 1 टीस्पून हमने हल्दी ली है। 2 से 3 तेज़पत के पत्ते हमने लिए हैं। 1 पाव टमाटर लेके इनको मोटा मोटा काट लिया है। 2 टेबल स्पून नमक हमने लिया है। 2 टेबल स्पून इसका धनिया हमने लिया है। 2 प्याजों को लेके इसको हमने बारीक बारीक इसको हमने ग्राइंडर में पीस लिया है। 2 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। एक बार फिर से सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको शलजम गोश्त बनाने का तरीका बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, और जिन्होंने कर दिया है उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। 1 पतीली में सरसों का तेल लेके 1 पाव इसको हमने जला लिया है। हम क्योंकि सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, इसको जला के इस्तेमाल पकड़ना पड़ता है, वरना फिर इसकी हीक आती है। आप लोग जो तेल इस्तेमाल करते हैं, अगर सरसों का करते हैं तो जला लीजिए, और अगर दूसरा करते हैं तो उसको सिर्फ गर्म कर लीजिए। सबसे पहले इसके अंदर तेज़पात डालेंगे। 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद इसके अंदर और चीज़ें भी शामिल करेंगे। अब इसके अंदर प्याज डालेंगे। 2 मिनट तक प्याज को फ्राई करेंगे। उसके बाद बाकी चीज़ें भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। प्याज फ्राई हो चुकी है, अब हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे। पाँच मिनट तक गोश्त को फ्राई करेंगे, उसके बाद इसके अंदर बाकी चीज़ें भी हम शामिल करेंगे। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं गोश्त को फ्राई होते हुए लहसुन अदरक के साथ। अब इसके अंदर टमाटर डालेंगे। पाँच मिनट तक गोश्त के साथ हमने टमाटरों को फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई प्याज, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। हम आपको हर चीज़ बनाने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका इसलिए बताते हैं, इससे वो लोग भी खाना बना सकते हैं जिन्हें खाना बनाना नहीं आता। अब हम इसे 15 मिनट तक के लिए दम पे रख देंगे, इससे कि हमारा गोश्त इस पानी में अच्छे तरीके से गलने लगेगा। उसके बाद हम इसके अंदर बाकी चीज़ें भी शामिल करेंगे। पंद्रह मिनट तक गोश्त को हमने गलाना था, 10 मिनट तक हो चुके हैं। अब हम इसे भून लेंगे, बाकी का गोश्त हम शलजमों के डालने के बाद गलाएंगे। पहले इसे भूनेंगे। दो मिनट तक इसे और ज़्यादा भूनेंगे, उसके बाद ये पूरा भून जाएगा। अभी भी इसके अंदर काफ़ी हद तक तेल निकल आया है। जब इसके अंदर बिल्कुल सारा तेल निकल आएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम इसे भुना हुआ समझ कर बाकी की तैयारी आगे बढ़ाएंगे। सालन हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है, अब हम इसके अंदर और चीज़ें भी डालेंगे। और थोड़ा सा गोश्त हमारा गल चुका है, बाकी हम पानी डाल के और गलाएंगे। उसके बाद सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। शलजम हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल करेंगे शलजमों को डालने के बाद। इस तरह शलजम और गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाएगा। पहले शलजम डाल के 2 मिनट तक इसको भूनेंगे, उसके बाद पानी डालेंगे। तो पानी डाल के हम इसे दम पे रख देंगे और 10 मिनट बाद आके इसको चेक करेंगे। अच्छे तरीके से शलजमों को भी गोश्त के साथ हमने भून लिया है। अब हम इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल करेंगे।
उसके बाद 2 मिनट तक इसको तेज चूल्हे पे पकाएंगे और फिर 10 मिनट तक के लिए हम इसका ढक्कन ढक देंगे, इसको दम पे पकाएंगे। दो मिनट हो चुके हैं, इसको पकना शुरू कर दिया है इसने, अब इसे ढक के 10 मिनट तक दम पे पकाएंगे। दस मिनट हो चुके हैं, सालन हमारा रेडी हो चुका है, खुशबू इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, गोश भी गल चुका है, लेकिन फिर भी एक बार इसको चेक करेंगे। गोश चेक करने के बाद अगर गल गया तो ठीक है, नहीं तो 10 मिनट हम 5 मिनट और गला लेंगे, लेकिन गोश्त हमारा गल चुका है। अब इसके अंदर सारी चीज़ें शामिल कर देंगे जो कि रह गई थी, उसके बाद सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, धनिया डालेंगे। हो चुका है शलजम गोश हमारा तैयार, अब हम इसको निकाल के आपको दिखाते हैं कि ये कैसा बना। ये शलजम गोश का सालन बहुत ज़्यादा एक ज़्यादा अच्छा और जायकेदार तो होता ही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है, क्योंकि शलजम बहुत ज़्यादा तेज़ी से खून बनाते हैं, इसलिए आपको कम से कम सर्दियों में शलजम का हर तरह से इस्तेमाल कर लेना चाहिए, उसका अचार भी खा लेना चाहिए और उसकी सब्ज़ी भी बना के खा लेनी चाहिए, और अगर आप गोश्त के शौकीन हैं तो गोश्त में पका के खा लीजिए। सालन हो चुका है हमारा बिल्कुल रेडी, अब आप इसके अंदर नींबू भी डाल सकते हैं, गरम मसाला भी और ज़्यादा डाल सकते हैं, हरी मिर्चें कच्ची तोड़ के भी खा सकते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि हमने ये बनाने में कहाँ कहाँ गलती की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आगे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारी गलती कोताही और तारीफ को लिख के भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। इसके साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।